बडार समाज के छात्र छात्राओं हेतु मुंबई में हॉस्टल बनाने की जगह अलाट करने की मांग मी बडार समाज के माध्यम से पिछले कई सालों से की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर बांद्रा जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालने की चेतावनी भी बडार समाज ने पिछले दिनों मुंबई के अध्यक्ष एलप्पा सिनागा कुशालकर के माध्यम से दिया था। इस चेतावनी का संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस ने बडार समाज को मोर्चा नहीं निकालने की एक नोटिस जारी कर दिया। मुंबई पुलिस के इस नोटिस के बाद भी बडार समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर यह देखिए मोर्चा निकालकर अपनी मांगों को शासन प्रशासन के सामने रखा है। बडार समाज का कहना है कि उनकी मांगों पर अगर सरकार एवं प्रशासन के अधिकारी आगामी कुछ दिनों में ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा मोर्चा एवं भूख हड़ताल हम सीएम आवास के सामने करेंगे। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर बडार समाज के पदाधिकारियों एवं अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। हमारे न्याय और हक के लिए जो विजय दादा चौगुले के नेतृत्व में ये आज का जो आंदोलन ये मुंबई के कलेक्टर साहब बांद्रा के और इसके बाद मुंबई कलेक्टर, क्योंकि हमारे मुंबई में दो कलेक्टर माननीय विजय दादा चौगुले जो हमारे समाज के संस्थापक अध्यक्ष माजी राज्य मंत्री विजय दादा चौगुले साहब के नेतृत्व में ये मोर्चा आयोजन हुआ है आज। और ये मोर्चे में हमारे सभी साथी मेरे मुंबई टीम के पदाधिकारी हरीश जाधव, संजय इरकल, मोहन गाड़गे और जिला अध्यक्ष है हमारे शिंदे, अरविंद शेलार, दिनेश जाधव साई, मतलब असंख्य ऐसे, और हमारे महिला। ये इसका उद्देश्य ऐसा है कि माननीय विजय दादा चौगले का जो प्रयत्न है वो चल ही रहा है, वो माजी राज्य मंत्री है, वो उनका तो राज्य लेवल पे चल रहा है, हम ये लेवल पे कर रहे हैं कि ताकि हमारा व्यथा, हम लोग का जो तकलीफ है वो कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य के शासन करते जो है, जो मुख्यमंत्री है, जो सामाजिक न्याय मंत्री है, फिर मुंबई से लेके दिल्ली तक का जो तकलीफ हुआ है, जो अन्याय हुआ है, ये उसको वाचा फोड़ने के लिए, मतलब उसका जो तकलीफ जो हुआ है वो आपके सामने, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से और हमारे शासनकर्ता के माध्यम से राज्यकर्ता के ज्ञान में जाना चाहिए कि देश स्वतंत्र हो के 76 साल हुआ है और उसके बाद हमारी ऐसी दशा है कि मुंबई में आपने देखा है कि विमुक्त जाति वीजे 12 अ में हमको स्थान दिया है। और अभी हाल ही में जरांगे पाटिल साहब का जो आंदोलन के चलते सरकार डगमगा गई है, गड़गड़ा गई है, गिरने के कगार पे है या मरने के कगार पे या जाने के कगार पे मालूम नहीं, वो डर के उनके लिए हमारा इन्होंने गला घोटने का काम किया है। और ये पाप ये सरकार को तो लगेगा, आने जो पिछले 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किया। हमारा आप अगर देखने जाओगे तो कर्नाटक में हमारे ऊपर SC का दिया जाता है, आंध्रा में SC में दिया जाता है, ST में दिया जाता है, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कलकत्ता, यहाँ पे ST में दिया जाता है और मुंबई महाराष्ट्र में अलग। तो ये सब अलग अलग न्याय एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए। प्रधानमंत्री एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, आप वडार समाज के होकर के कर्नाटक की अलग बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की अलग बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की अलग बात कर रहे हैं और गुजरात की अलग बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों कानून है, आपके लिए ऐसा कानून क्यों है? नहीं, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का आज बहुत अलग तरीके से मोदी जी इसका ये कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन वन कायदा एक कायदा, तो एक कायदे के लिए आप देख रहे हो कि ये राज्य में हर स्टेट में हर उसमें अलग अलग कायदा सिर्फ वडार समाज के लिए। हमारे लोग मतलब ये देखते हो कि ये कायदा जो हो रहा है तो ये जो हमारे ऊपर तो अन्याय वाला कायदा है, क्योंकि हमारे को हम चाहते हैं कि भाई हमको पूरे देश में एक इक्वेलेंस देखना चाहिए, आपकी मानसिकता इक्वेलेंस होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तो ये समान नागरिक कायदा का तो ये तो सरकार कायदे का उल्लंघन कर रही है। हमें अनेक राज्य में अनेक जाति में हमको बटा दिया है, फिर वो हम देखिए ये दुर्भाग्य है हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक अच्छा सवाल आपने पूछा है कि देखिए कहीं भी अगर देश में कायदा है वो एक है, कायदा वो एक इसके लिए है कि अगर महाराष्ट्र का आदमी वो चाहे गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, कहीं भी हो, तो 302 ही लगेगा मर्डर होगा, तो
तो फिर कायदे के अमल बजावनी में यहाँ क्यों हमारे साथ वेरी फर्क हो रहा है? तो हमारे ये जाति के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, हमारा ये खंत है, हमारा ये तकलीफ है कि हमारे लिए अलग अलग न्याय, अलग अलग राज्य में अलग अलग न्याय। तो ये न्याय सरकार के सामने आना चाहिए, जो जटिल समस्या है, और ये इसके ऊपर हमको न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे। पूरे महाराष्ट्र में विजय दादा चौगले के नेतृत्व में ये पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके का निवेदन दिया जाएगा और इसके ऊपर हमें न्याय मिलेगा, ये बिल्कुल हम अपेक्षित है। आपका आंदोलन यहाँ पे रोका गया है, मैंने देखा कि पुलिस से आपकी नोकझोंक हो रही है, पुलिस प्रशासन भी आपका सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, ये तो आप देख रहे हो कि शासन प्रशासन ये तो होता ही है, क्योंकि इनको देने के लिए बताते एक ये दिखाते तेल की और देते घी की और देते नहीं तेल की, तो ये इस तरीके का ये प्रकार है हमारे जाति के ऊपर, ये अन्याय है, ये अत्याचार है, हम कदापि सहन नहीं करेंगे। और उसके चलते ये आज विजय दादा चौगले साहब के नेतृत्व में मुंबई के तमाम पदाधिकारी महिला वर्ग हमारे सर्व साथी के साथ में आज एक विज्ञापन निवेदन देने हम जा रहे हैं, ताकि ये महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री साहब इस पर गौर करेंगे। 75 साल का जो स्टैंप लगा हुआ है, अनेक इसमें बटा हुआ ये राज्य समाज को आप इकट्ठा एक एक न्याय देंगे, ये अपेक्षा है। आने वाले टाइम में आगे का कदम क्या रहेगा आपका? आगे का कदम हम आगे बताएंगे, क्योंकि इसमें हमारे राज्य का, हमारे देश का, मेरे समाज का हित है। मैं कोई भी ऐसा कार्य करने के पहले मैं करूँगा, क्योंकि हमको कुछ बोलता ना मिलना है तो कुछ थोड़ा एग्रेसिव करना पड़ेगा, लेकिन वो समय पे बताएंगे। और अभी हमको अगर अच्छा सहयोग मिल रहा है तो हम अच्छे से करेंगे। महाराष्ट्र संगठन के अध्यक्ष विजय दादा चौगुले साहब के मार्गदर्शन में जो ये आज का आंदोलन है, इस आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य है कि हर एक राष्ट्र में हम लोग को हर एक इसमें अलग अलग जाति में बिठा दिया गया है, मगर बच्चों लोग के फ्यूचर के बारे में सोचो, नौकरी के बारे में सोचो। मुंबई जैसे शहर में बच्चों लोग के लिए रहने के लिए वस्तीगृह नहीं है, कोई एडमिशन में जाता है फी का प्रॉब्लम होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारे सर के मार्गदर्शन में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और हम देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको जगाना चाहते हैं ये आंदोलन के माध्यम से कि ये अन्याय एक जात पे मत करो, हम ये लोगों को इस समाज में रहने का अधिकार है, जैसा तुम्हारे गुजराती मारवाड़ी लोगों का है, मराठी लोगों का है, उसी तरह के से ये जात का भी एक इंसानियत के नाते इनका भी ध्यान रखो। क्या सरकार से ये मांग करेंगे कि आपकी जनगणना, आपकी जातिगणना होना चाहिए? जरूर होना चाहिए सर, ये हमारा मूलभूत अधिकार है और हमारा हक भी है, नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे।